हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल अध्ययन वे टू सक्सेस में। और आज हम हैं अपने जीके के पार्ट थर्ड में, जहां पे हम अपने एग्ज़ाम्स में जो पीछे के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो हम उन्हें देखेंगे। तो कुछ ऐसे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चलते हैं उन्हें देखते हैं और बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपने अगर पहले के दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में या ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पे कि पिट आवास के साक्ष्यों की खोज किस स्थान पर की गई है। तो ये है ऑप्शन है लोथल और कालीबंगन, बुरझोम और गुफकराल, रोपड़ संगपुर, कालीबंगन और सुरकोटदा। तो ये है ऑप्शन बी, बुरझोम और गुफकराल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जूनागढ़ के पत्थर के शिलालेख का निर्माण किसने कराया। तो ये है ऑप्शन एक, रुद्रदामन फर्स्ट। जूनागढ़ अभिलेख पत्थर का शिलालेख है जिसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया, जिसे रुद्रदामन प्रथम ने पुनर्निर्माण कराया। रुद्रदामन फर्स्ट एक क्षत्रप राजा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है। तो यह है ऑप्शन बी, केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। यह है कोच्चि में स्थित है। केरल हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है? कोच्चि में स्थित है और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कार्बोनरी संस्था थी शिक्षण संस्था, सैनिक अकादमी, कला संबंधी संस्था या गुप्त क्रांतिकारी संस्था। तो ये थी एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि बोअर लोग कहाँ रहते थे, सूडान, यूनान, केप कॉलोनी या अल्जीरिया। तो ये है ऑप्शन सी, केप कॉलोनी। बोअर लोग केप कॉलोनी में रहते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किस तेल उत्पादक देश से भारत अपनी आवश्यकता का 20-25% हिस्सा प्राप्त करता है। यह है लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया या अंगोला। तो यह है ऑप्शन बी, नाइजीरिया। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है, तेल उत्पादक है। यह प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन उत्पादित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि बुक्सा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के कहाँ पे? अलीपुरद्वार में। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार यहाँ पर है बुक्सा टाइगर रिजर्व। इसका क्षेत्रफल लगभग 760 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर बाघ, हाथी, गौर आदि बहुत संख्या में पाए जाते हैं। यह भारतीय बाघ और एशियाई हाथी, तेंदुआ आदि का रिजर्व क्षेत्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि केप कैनेडी का पुराना नाम क्या था। केप कैनेडी का पुराना नाम था ऑप्शन बी, केप कैनवेरल। केप कैनवेरल, केप कैनेडी अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित है। यह स्थान रॉकेट लॉन्च के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर स्थित है यह? फ्लोरिडा। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? स्थान रॉकेट लॉन्च के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हवाला लेन देन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है। तो यह है FEMA, ऑप्शन बी यानी फेमा। FEMA, अब ये क्या है? FEMA यानी कि फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट एक्ट यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत भारत में हवाला लेन देन बंद है। और यह नियम कब बना? यह नियम 29 दिसंबर 1999 को बना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि विश्वविद्यालय का विषय किस सूची में आता है। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची। तो ये है ऑप्शन बी, राज्य सूची। विश्वविद्यालय राज्य सूची में आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि बिहार शब्द किससे उत्पन्न हुआ। बिहार शब्द उत्पन्न हुआ ऑप्शन ए, बौद्ध मठ से, क्योंकि बौद्ध मठ को बौद्ध विहार कहा जाता था। बौद्ध, इसको बौद्ध विहार कहा जाता था, जिससे बिहार शब्द की उत्पत्ति हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे
माही नदी किसमें जाकर गिरती है? माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है। वह मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में गिरकर अरब सागर में मिल जाती है। और माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 580 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है? तो यह है, सभी को मालूम होगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? लखीमपुर में, लखीमपुर खीरी। और कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, कुंभलगढ़ ये जो है यह है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कि शहतूत शॉल की गुणवत्ता और मांग के कारण कौन सी प्रजाति खतरे में आ गई है? तो यह है चिरू। शहतूत शॉल की गुणवत्ता और मांग के कारण चिर प्रजाति खतरे में आ गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कि निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्व का स्रोत नहीं है? तो यह है सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों का लाभांश, यह है राजस्व का स्रोत नहीं है। बाकी एक्सपोर्ट ड्यूटी राजस्व का स्रोत है, स्टाम्प फी भी राजस्व का स्रोत है, और रजिस्ट्रेशन फी ये भी राजस्व का स्रोत है, सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के लाभांश नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कि केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो यह हुई है 1985, ऑप्शन सी यानी कि सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, CIIB, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो एक भारतीय खुफिया एजेंसी है जो सूचना एकत्र करने और आर्थिक अपराधों और युद्ध के लिए आर्थिक और वित्तीय क्षेत्रों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कि निम्नलिखित में महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध हैं? तो यह है ऑप्शन सी मैत्रेय। महायान बौद्ध पंथ के अनुसार मैत्रेय भविष्य के बुद्ध हैं। जब विश्व के लोग धर्म को भूल चुके होंगे तो मैत्रेय बुद्ध लोगों को धर्म की शिक्षा देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कि मामल्लपुरम का वराह मंदिर किसने बनवाया था? तो यह है ऑप्शन ए सिंह विष्णु। मामल्लपुरम का वराह मंदिर सिंह विष्णु ने बनवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? भूमि राजस्व, व्यक्तिगत आयकर, निगम आयकर, कस्टम ड्यूटी। तो यह है ऑप्शन ए भूमि राजस्व। भूमि राजस्व केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, भारत का संविधान, संसद द्वारा कानून, बंधुआ श्रम की समस्या को उपरोक्त में से किसके द्वारा संबोधित किया गया है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, या इनमें से कोई नहीं? तो यह है ऑप्शन सी एक और दो। अनुच्छेद आर्टिकल 23 का फर्स्ट के तहत भारत का संविधान भीख और मजदूरी श्रम के अन्य समान रूपों को प्रतिबंधित करता है। बंधुआ श्रम प्रणाली पूरे देश में कानून द्वारा समाप्त कर दी गई थी, और 25 अक्टूबर 1975 से बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अध्यादेश के तहत, जिसे बॉन्डेड लेबर सिस्टम अधिनियम कहा गया, वह 1976 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ पटेल, या सुभाष चंद्र बोस? तो ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ पटेल। तो ये कब हुआ? 29 मार्च 1931 को आयोजित किए गए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कि पेशवा बाजीराव किसके पुत्र थे? ऑप्शन है बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ राव, माधव राव, या मोरोपंत। तो ये है ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ राव। पेशवा बाजीराव मराठा साम्राज्य के पेशवा थे जो बालाजी विश्वनाथ राव के पुत्र थे, और उनका जन्म हुआ था 1700 में हुआ था। बालाजी विश्वनाथ राव ने मराठा साम्राज्य को एक शक्तिशाली राज्य बनाने में काफ़ी मदद की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कि अमेरिकी क्रांति के बारे में सत्य कथन है। अमेरिकी क्रांति, अब कथन देख लेते हैं। कथन एक, कि अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश उपनिवेशवासियों तथा देशी अमेरिकनों के बीच का संघर्ष था। दो,
अमेरिकनों ने उस ब्रिटिश संसद द्वारा लाए गए करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया जिसमें अमेरिकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। तो इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, इनमें से कोई नहीं। तो यह है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, अमेरिकी क्रांति के बारे में दोनों कथन सत्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से गलत जोड़े को इंगित कीजिए। बैरा सियोल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश, सोलाल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर, तानाकुल प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश, कोयल कारो प्रोजेक्ट बिहार। तो ये इसमें कौन सा गलत जोड़ा है, कोयल कारो प्रोजेक्ट बिहार। ये कोयल कारो प्रोजेक्ट कहाँ पर है, ये है झारखंड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि बाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है। तो ये है रेड क्लिफ लाइन। बाघा बॉर्डर भारत के अमृतसर और पाकिस्तान के लाहौर के नज़दीक स्थित है। भारत पाकिस्तान सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि पृथ्वी का औसत घनत्व ग्राम पर घन सेंटीमीटर में कितना है। तो ये है ऑप्शन ए 5.515, ऑप्शन ए 5.515। पृथ्वी की बाहरी परत यानी कि जैसे भूपर्वती का जो औसत घनत्व है वह 9.5 से 14.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है और मेंटल का घनत्व 3.3 से 5.7 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है और जो क्रोड है, क्रोड का घनत्व 2.70 से 2.95 ग्राम घन सेंटीमीटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सवाना क्या है। तो सवाना है ऑप्शन सी अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र। सवाना अफ्रीका का एक उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पेड़ पौधे व झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में कौन से संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने की। तो यह है वारकरी संप्रदाय। वारकरी संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यूएस के संविधान से ली गई है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। नंबर 3, 42वें संविधान संशोधन से स्वतंत्रता और समानता शब्द जोड़े गए हैं। तब देखते हैं इनमें कौन सा कथन सही है। तो ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना यूएस संविधान से नहीं ली गई है, गलत है, और ये राष्ट्र की एकता अखंडता द्वारा ये सही है, और 42वें संविधान संशोधन से स्वतंत्रता और समानता शब्द जोड़े गए तो ये गलत है। तो ये हो जाएगा केवल दो, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 जो है, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा प्रस्तावना में अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी शब्द, ये तीन शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है। तो ये है ऑप्शन डी भारतीय मानक ब्यूरो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृहयुद्ध में है। कांग्रेस के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था। तो यह है सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी। उपरोक्त कथन सर सैयद अहमद खान द्वारा कहा गया था। उन्होंने कड़े शब्दों में कांग्रेस की निंदा की थी। वे मुस्लिम समाज सुधारक थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की थी और फिर इसी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम बदलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अर्जेंटीना की आधिकारिक राष्ट्रभाषा क्या है। अर्जेंटीना की आधिकारिक राष्ट्रभाषा है स्पेनिश, और जबकि और यहाँ पर इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। चलिए देख लेते हैं, स्पेनिश, स्पेनिश जो है ये किन देशों में बोली जाती है। करीब 20 से ज़्यादा देशों में बोली जाती है, जिनमें कुछ प्रमुख हैं अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, क्यूबा, डोमिनिकन गणराज्य, एक्वाडोर, एल सल्वाडोर, इक्वेटोरियल गिनी, ग्वाटेमाला, होडुरास, मैक्सिको,
निकारागुआ, पनामा, पराग्वे, पेरू, स्पेन, उरुग्वे और वेनेजुएला जैसे 20 से ज़्यादा देशों में ये भाषा बोली जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी या संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है? तो ये है ऑप्शन डी, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन। इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन सॉरी संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है। सॉरी गाइस, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की स्थापना, हाँ सॉरी, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो ये है चेन्नई, ऑप्शन सी चेन्नई। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 14 नवंबर 2008 को हुई थी और यह है समुद्री विज्ञान में भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि पालपुर कुनो वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? पालपुर कुनो है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। पालपुर कुनो वन्य जीव अभयारण्य उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में है और शेवरपुर जिले में यह है 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ अनेक जानवर पाए जाते हैं जिनमें भेड़िया, बंदर, तेंदुए, नीलगाय प्रमुख हैं। इसके अलावा यहाँ एशिया के शेरों के लिए वन्यजीव अभयारण्य बनाने की भी योजना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो है सबसे ज़्यादा है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसी क्षेत्र में 40,000 के दायरे में रिंग ऑफ फायर नामक बेल्ट स्थित है और इस बेल्ट में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो ये है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ही भारत के सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य व नेशनल पार्क भी स्थित हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में किसकी निर्माण खर्च सर्वाधिक और परिवहन का खर्च सबसे कम है? रेल, सड़क, जल परिवहन या पाइपलाइन? तो ये है ऑप्शन डी पाइपलाइन। पाइपलाइन के निर्माण का खर्च सर्वाधिक होता है लेकिन इसके यातायात का रंग सबसे कम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि आरबीआई द्वारा बैंकों की उधार शक्तियों को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? यह है विदेशी मुद्रा प्रबंधन, खुला बाजार परिचालन, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट। तो यह है खुला बाजार परिचालन। खुला बाजार परिचालन आरबीआई द्वारा बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों यानी कि जी सैक की खरीद और बिक्री को कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्त कस्बे से शुरू हुआ है। चिश्त कस्बा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या सऊदी अरब? तो ये है आपका ऑप्शन ए अफगानिस्तान। चिश्त कस्बा अफगानिस्तान के हेरांत प्रांत में है। हेरांत प्रांत में स्थित एक कस्बा है और इसकी स्थापना 930 ईस्वी में अबू इशाक शमी ने की थी। किसने? अबू इशाक शमी ने की थी। पश्चिमी एशिया लौटने से पहले उन्होंने स्थानीय अमीर अबू अहमद अब्दल के बेटे को प्रशिक्षित और नियुक्त किया जिनके नेतृत्व में चिश्तिया क्षेत्रीय रहस्यमय आदेश के रूप में विकसित हुई। चिश्ती सिलसिला की भारत में स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की और इस सिलसिले के अन्य प्रमुख संत कुतुबुद्दीन बख्तियार, काकी फरीदुद्दीन, गजशंकर, निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन अली अहमद सबीर कल्यारी भी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में ऊपरी सदन के कितने सदस्य सांप्रदायिक आधार पर चुने जाते हैं? तो ये है ऑप्शन बी 150। ऊपरी सदन को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था। इसमें 260 सदस्य होते थे। कितने होते थे? 260 सदस्य होते थे और 260 सदस्यों में से 156 सदस्य प्रांत तय और 104 सदस्य देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे और 156 सदस्यों में ये 156 में 150 सदस्यों का चुनाव सांप्रदायिक आधार पर किया जाना था। इसमें हिंदू, मुस्लिम और सिखों के लिए सीटें आरक्षित थीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि
कि बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो यह है ऑप्शन ए अब्दुल लतीफ। 19वीं सदी के दौरान नवाब अब्दुल लतीफ खान मुस्लिम आधुनिकीकरण के पथ प्रदर्शक थे। शिक्षा क्षेत्र में उनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसके अतिरिक्त वास्तुकला में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि पहली बार किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा राज्य के खर्चे पर करने का ऐलान किया था? तो ये है ऑप्शन ए अकबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठा और अफगानों के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध सदाशिव भाऊ की मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना के बीच हुआ, जिनमें मराठों की हार हुई थी और उनके 60 से 70 हज़ार सैनिक मारे गए थे और उनके कई योद्धा भी मारे गए। इसमें अफगानों का रुहेलों और अवध के राजाओं ने साथ दिया था। और जबकि मराठा इसलिए हार गए थे, मराठों को राजपूतों और जाटों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी ऑप्शन डी वर्साय की संधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो ऑप्शन देखते हैं सोनोरान मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल या सहारा मरुस्थल। तो ये है अटाकामा मरुस्थल, ऑप्शन सी। प्रशांत महासागर के किनारे यह चिली में स्थित है और यह है 1000 किलोमीटर लंबी पट्टी है। इसका कुल क्षेत्रफल 105,000 वर्ग किलोमीटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड और मेथेन, इनमें से कौन धरती पर ओजोन बनाने में सहायक है? तो ओजोन बनाने में सहायक है नाइट्रोजन ऑक्साइड और मेथेन, यानी कि ऑप्शन एक और तीन, ऑप्शन सी। नाइट्रोजन ऑक्साइड और मेथेन धरती पर ओजोन बनाती हैं। ओजोन परत आकाश में तो पृथ्वी तक पराबैंगनी किरण पहुंचने से रोकती है, जबकि धरती पर उपस्थित ओजोन परत एक बहुत बड़ा प्रदूषक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि महल नगर किस प्रदेश में है? महल नगर किस प्रदेश में है? तो ये है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। महल नगर हिमाचल प्रदेश में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि वार्षिक रॉयल कैथीना समारोह किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, मुस्लिम, जैन या बौद्ध? तो ये है ऑप्शन डी बौद्ध। रॉयल कैथीना समारोह बौद्ध धर्म का एक वार्षिक त्यौहार है जो थाईलैंड के बाहर किसी भी बौद्ध मंदिर में मनाया जाता है। कैथीना फेस्टिवल एक प्राचीन बौद्ध परंपरा है जो बरसात के मौसम के दौरान पीछे हटने के सख्त अनुशासन को बनाए रखने वाले भिक्षुओं को विशेष वस्त्र और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करती हैं। समारोह का मुख्य उद्देश्य केवल धार्मिक विश्वास के लिए ही थाईलैंड और अन्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि राज्यसभा की स्थापना कब हुई? राज्यसभा की स्थापना हुई ऑप्शन सी 1952 में। राज्यसभा को क्या कहते हैं? ये संसद का कौन सा सदन है? उच्च सदन है। तो गाइस कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।